इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 संचयन भाग 2, जिसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे सपनों कैसे दिन, मतलब सपनों जैसे दिन। तो लिखने वाले का नाम है गुरुदयाल सिंह, लेखक का नाम गुरुदयाल सिंह याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा ही था। बच्चों का हाल एक जैसा ही होता है, नंगे पांव, पैर में ना चप्पल ना जूते और फटी मैली से कच्छी, कच्छी मतलब हाफ पाइंट, एकदम फटी पुरानी मैली से और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते, बहुत जगह से फट गए होते हैं, बिखरे बाल और बाल एकदम बड़ा बड़ा था। पहले के लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, बच्चे भी। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिर कर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते थे। अब देखो, लकड़ी के ढेर पर चढ़ कर जब वहां से गिरेंगे तो किसी को चोट लगेगा, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते थे, और पहले से फटे थे और फट जाते थे, धूल भरे कई जगह से छीले पांव, और पांव भी छिल जाते थे लकड़ी पर घिसटाने से। ये सब चलता था। पिंडलियों या लहू, पिंडलियों मतलब कहीं चोट लगता था ना, गुल्ला सा निकल जाता है वैसा, या लहू के ऊपर जमी रेत, खून के ऊपर जो रेत जम जाती है, रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहन उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती थी। जब घर पर जाते थे तो दुगनी पिटाई हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सब फोर फार कर चले आए हो। कहियों के बाप बड़े गुस्सैल थे, बहुतों के बाप बहुत गुस्सैल हुआ करते थे, पीटने लगे तो यह ध्यान भी नहीं रखते थे कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है। तार चप्पल जूता लाठी पीटते पीटते दम फोर फार बेमत नहीं देंगे तब तक शांति नहीं मिलेगा। उनके कहां चोट लगी है इसका भी उन लोगों को चिंता नहीं रहती थी, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे। आदत होता है भैया, कितना भी पीट लो हम तो जैबे करेंगे। यह बात तब ठीक से समझ आई। यह बात कब समझ में आई? जब हाई स्कूल में अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया था, वहां पर सीखने गया था शिक्षक बनने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए सीखने गया था। वहां बाल मनोवैज्ञानिक, बच्चों का मानसिक स्थिति को वहां बताया जाता है, तो बाल मनोवैज्ञानिक का विषय पढ़ा। उसके बाद से ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है। तब समझ में आया कि बच्चा खेलना क्यों चाहता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चला जाता है। पिटाई होता है तो नहीं जाना चाहिए ना खेलने, लेकिन फिर भी क्यों चला जाता है। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी, मेरे जो जितने भी साथी थे, हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते थे, उनकी भी खूब मरम्मत होती थी। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। दो तीन घर साथ ही जुड़ती सी, दो तीन घर साथ ही जुड़े रहते थे, और उजरी सी गली में दो तीन घर, देखो उजरी सी गली मतलब एक गली होता था, अच्छा तो गली था नहीं, पहले का लोग पगडंडी रखते थे, गली में रहने वाले लोगों के थे। जैसे मैं आप किसी भी गांव में जाओगे तो देखोगे कि एक रास्ता है, उसी पर सब कोई घर बना कर इधर उधर रहता है। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी, और देखो जब से आस पटीदार के लोग होते हैं आदत भी मिलता जुलता रहता है। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बरखा, किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आते थे। बस्ता किसको बोलते थे ये जानो? बोरा, पहले सीमेंट का बोरा आता था, सीमेंट का बोरा एकदम मुलायम मुलायम आता था, तो सीमेंट के बोरा को सील कर हम लोग बस्ता बनाते थे, मतलब झोला, और उसी झोला में कॉपी की तरफ ठूस ठूस को भर कर हम लोग पीठ पर लाद के लेकर चल देते थे, तो उसको बस्ता बोला जाता है। आज तो बैग का जमाना है, आज किसी बच्चे को बोल दो बस्ता ले जाने के लिए तो उनका प्राण सूख जाएगा। और हम ही क्या, हम गांव पर बस्ता लेकर ही जाते थे, झोला में सब कॉपी किताब लेकर जाते थे, लेकिन शहर में आए सब बच्चों के हाथ में बैग, सबके हाथ में टिफिन, तो हमको तो एकदम दिक्कत कि हम झोला लेकर जाएंगे तो कैसे लगेंगे। ऐसे स्कूल का रीति रिवाज भी अलग था कि वहां पर हम बस्ता लेकर जा नहीं सकते थे। तो ये लोग तालाब में पोखरा में बस्ता ये लोग फेंक देता था वहां पे, और उसके बाद से आ जाते थे, और फिर स्कूल
गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने जोर जबरदस्ती से भेजा और न ही खुद से गए। यहाँ तक कि परचुनिए आड़तीय, यहाँ देखो परचुनिए और आड़तीय भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी न समझते थे। ये दोनों नाम है परचुनिए और आड़तीय, ये भी अपने बच्चों को कभी सोचते नहीं स्कूल भेजेंगे। ऐ छोड़ो, कभी किसी स्कूली अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार बनवाना है, तहसीलदार में लगवाना है कि मैं इसे पढ़ाऊं। चलेगा, छोड़ो इसी तरह, बाद में थोड़ी मोड़ी गणित सिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित धनश्याम दास के लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहिया लिखने बैठा देंगे। अब देखो बहिया का मतलब होता है खाता लिखना। यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित धनश्याम वहां पर जो थे उनके लंडे पढ़वा कर, तो लंडे का मतलब हो जाता है यहाँ पर हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि को लंडे बोलते थे। तो लंडे पढ़वा कर उनको बहिया लिखने के लिए बैठा देंगे, काम खत्म, हिसाब किताब अपना करते रहेंगे। यहाँ पर खाता है दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा जिसमें लिखा जाता है उसको बहिया बोलते हैं। पंडे 6-8 महीने में ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6-8 महीने लगेगा लंडे और मुनिमी किस तरह हिसाब किताब करना है और मुनिमी किस तरह बात व्यवहार करना है सभी कला सिखा देगा, बस काम खत्म। वहां तो अभी तक अलिफ बे जिमचे भी सीख नहीं पाया। ये मुसलमानी में बोलते हैं अलिफ बे जिमचे, ये मुसलमान लोग सीखते हैं, उन लोगों का कख गो गिनती होता है ऐसे ही। तो ये तो अभी सीख नहीं पाया तो आगे क्या सीखेगा, ये सोच रहे थे। ये देख लो यहाँ पर, ये कौन है, मैं तो नहीं पहचानता, आप पहचानते हो तो बताओ। चलिए, हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। कहाँ से थे, हरियाणा और राजस्थान के मंडी से थे ये लोग। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, लेकिन उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी। परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे के बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। साथ में खेलने के बाद अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती थी कि बोलना क्या चाहता है। मार 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 मार, समझ में आ गया कि मारना चाहता है। पीट 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 पीट, उसका मतलब पीटना चाहता है। यहाँ पता भी नहीं चलता कि लोकोकित अनुसार एक खेडन दे इंचार। खेडन का मतलब क्या होता है, खेडन का मतलब है खेलने के लिए दे दिन चार और मिल जाए। कैसे, कब बीत जाता है 5-6 दिन, ये समझ में ही नहीं आता है ना। यहाँ पे हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद समझने वाले हम भी थे, लेकिन आज नहीं समझ में आता कि हम कैद में पढ़ रहे हैं। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे। अब देखो, कुछ लोग अपने माँ बाप के साथ जो भी काम करते थे वो करने लगे। हम भी क्लास 9th में थे, 10th में थे, तो लगता था कि स्कूल हम लोग काट रहा है, ऐसा लगता था कि जेल है। आज हम अपने किसी भी दोस्त से पूछते हैं, किसी से नहीं, एक दोस्त से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं यार पहले बहुत गलती कर चुके हैं लोग, अब गलती करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम बर्बाद नहीं करनी है जिंदगी, इसलिए सोचो ही नहीं। आज एक कमरे में बैठ कर 18-18 घंटा पढ़ लेना, 16-16 घंटा पढ़ लेना हम लोग को आसान लगता है कि भाई कुछ बात नहीं है, छोटी मोटी तो बात है। लेकिन यही पहले 2 घंटा पढ़ने में पसीना छटक जाता था कि क्या हालात होगा। 2 घंटा पढ़ लिए, ओ भाई क्या बात है 2 घंटा, ये सोचते थे पहले। लेकिन अब तो कब 16-17-18 घंटा बीत जाता है समझ में ही नहीं आता है। कब सोना है, कब जगना है, टाइम के अनुसार सोना पड़ता है, टाइम के अनुसार जगना पड़ता है, नहीं तो दुनिया उसी तरह धैले रहता है सब। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती थी। बचपन में मतलब आज से 20 साल पहले घास भी अच्छा हुआ करता था। ये घास होता था नमकीन लगता था, उसको हम लोग नोच नोच कर खाते थे, दूबी जैसा ही था वो, मशरूम जिस तरह होता है ना वैसे ही होता था, हरा हरा होता था, उसको हम खूब नोच नोच के खाए हैं।
वो कैंसर का रामबाण है, वो खाने के बाद कैंसर होगा ही नहीं होगा। लेकिन वो सब कौन पूछता है यार, अब तो कोई पूछता ही नहीं है, कहता है लो बाग सब फेकार की बातें हैं, बेकार की बातें नहीं, वो इतिहास और साइंस की बातें हैं, वो प्राचीन तौर पे दवा है दवा। लेकिन कोई माने तो ना, तो किसको समझाने चलोगे, जो समझता है उसको समझाना चाहिए। हम लोग तो उसको नोच नोच को खूब खाते थे, किसके खेत में दिख जाएगा तब भी खा जाएंगे लोग नोच कर, क्योंकि उसको तो लोग सो कर फेंक देंगे, हम लोग खा कर खत्म कर देंगे, मतलब हम लोग चढ़ जाएंगे उसको। 5-6 जन बैठते थे एकदम खाते थे, पेट तो एकदम साफ होता था हमेशा। लेकिन आप सबको वो घास अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो बातें नहीं हो गया। बचपन में आप जटहवा फूल को देखते होंगे, लाल लाल होता था सब जुड़ा हुआ, तो जटहवा हम लोग खेल भी खेलते थे, गेंदा का फूल हो गया और चमेली का फूल हो गया और कोढ़ी का फूल हो गया अड़हुल का फूल हो गया, ये सब खेलने और सूंघने के लिए हम लोग बहुत काम देते, लाभदायक था उस समय। यह शब्द शायद आधी सदी पहले, मतलब 50 साल पहले, 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। लेकिन हमने तो अपनी जिंदगी में आज से 25 साल पहले, हमने 25 साल नहीं 17 से 18 साल पहले हमने जिंदगी में देख चुके हैं। याद रहने का कारण यही है कि, और हमें भी याद इसीलिए है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ, बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। और बचपन में ऐसा ही लगता था, ओल का चोखा किसने किसने खाया है, हम अपने जमीन से छोड़कर दूसरे के जमीन से ओल कोर लाते थे, खाने का शौक तो था उतना, और बनाने वाला एक आदमी, हमारी मछलियां वहां लगेंगी उनको देते थे बनाने के लिए, खूब अच्छे से बनाएंगी और दोनों जन आराम से खाएंगे, लोग उतना ही लाते थे कि दो आदमी खाएगा बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर, जिस रास्ते से स्कूल जाते थे उसके दोनों ओर अलियार के बड़े डंक बड़ा कांटा से कटे छाटे झाड़ियां उगे थे वहां पर, मतलब बड़े कांटे वाले झाड़ियां थे जिन्हें हम डांडिया कहा करते हैं, क्या सॉरी डंडिया कहा करते थे। डंडिया काटा आप देखोगे झरखट, समझ में आता है ना, झरखट का पेड़ जैसा, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूं। और उसके जो महक थी एकदम नीम के पत्ते जैसा थी, जिसको आज भी आंख बंद करके आंख मूंद कर मैं महसूस कर सकता हूं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल की कई तरह की, मतलब फूल कई तरह के उसमें लगाए जाते थे, उगाए जाते थे। छोटी क्यारी मतलब जहां पर एथी होता था ना उसका पाया दीवार, तो दीवार के थोड़ा 2 इंच 2 फीट इधर करके घेर दिया जाता था और उसमें एक फूल लगाए जाते थे। आज भी फूल लगाना चाहिए लेकिन लोग लगाता नहीं है यार, क्या किया जा सकता है। अब कोई लगाता भी है तो बकरी वकरी लगा कर चरा देता है सब, इसलिए दिक्कत तो है। पहले नहीं था, पहले स्कूल की लोग इज्जत करते थे, आज इज्जत उसकी ले लेते हैं। जिनमें गुलाब गेंदा और मोतिया, मोतियों की दूध से सफेद कलियां भी हुआ करती थी। अब कली कौन सी, गेंदा के फूल में गुलाब के फूल में कली होता है ना, कली के बाद ही फूल होता है ना, तो वो कली भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी, हम चंद चपरासी से आंख बचाकर, जो चपरासी वहां पर गार्ड था, तो गार्ड से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ कर ले भी जाया करते थे, लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूं, और जो उसकी तेज सुगंध थी आज भी महसूस होती है। अरे गुलाब कितना भी पुराना, बहुत दिन हो गया छुए, लेकिन आज भी आंख मूंद कर गुलाब के बारे में सोच लो तो गुलाब की महक नाक में आ जाएगी। परंतु यह याद नहीं है कि उन्हें तोड़ कर कुछ देर सूंघते फिर क्या किया करते, उस फूल का जेब में रखते फेंक देते क्या करते, ये पता ही नहीं चलता ना। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमने के भांति चढ़ जाते, जिस तरह बकरी खा जाती है वैसे ही हम लोग फूलों को खा जाते होंगे। ये सब याद नहीं है, ऐसे तो फूल खाया भी जाता था, हम लोग तो खुदे खा जाते थे। आप देखोगे पानी में देखोगे तो बड़ा बड़ा जो पत्ता होता है ना, तो पत्ता के ठीक नीचे एक मतलब गोल कलर का कोई फूल होता है,
तो उसको निकाल कर उसके दाना को भी खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता था दाना। तो हम तो जाते नहीं थे, और हमारे स्कूल के जो मतलब हमारे गांव के ही कुछ बच्चे थे, तो हम लोग बड़े ही थे, उन लोगों से बड़े थे, तो फोर्थ हम फाइव में थे, तो बाकी सब जो 3 4 में है सब, वो निकाल कर देगा सब, भैया ये खाओ ये अच्छा लगेगा। तो हम उसी समय खाते थे, कोई कोई माला बना कर देता था, मतलब कमल के फूल का माला हम लोग पहन कर खूब घूमते थे। दोनों भाई तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को देता था लोग, रोज कोई ना कोई क्लास की लड़कियां उठाकर एक माला दे देंगी, बना करके पहनो अच्छा लगेगा। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते कि आह मैं तो बड़ा हो गया रे, मैं तो बापू बन गया, ऐसा अब मैं सीनियर हो गया, अब तो एकदम मजे करेंगे। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो नई पुरानी कॉपी किताबों से, नया हो चाहे पुरानी, कॉपी किताबों से जाने कैसी बास आती। कॉपी किताब उठाओगे तो एक अलग ही महक आती है। उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे, और उन मास्टरों से तो बहुत डर लगता था जो पिछले हम लोग पिछले क्लास में तो पढ़ाया ही था, अब हमको अगले क्लास में ही पढ़ाएगा। और ये सुनते थे कि हाई मास्टरवा मारने वाला है, उससे और डर में आ जाता था आदमी, ओ ये तो और मारता है, तो बाद में जाएगा तो चमगादड़ बना देगा मारते मारते। तो ऐसा हाल था। तब स्कूल में शुरू साल में, जब स्कूल शुरुआत हुआ था, शुरू साल में 1 1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ाई 1.5 2 महीना होता है, 1.5 2 महीना कहाँ, 1 से 1.5 महीना। उसके बाद से फिर 1.5 2 महीने की छुट्टी शुरू हो जाती थी। करीबन छुट्टी कितने दिन की होती थी, 45 से 40 दिन का, लेकिन अब तो छुट्टी कर दिया गया है 20 दिन का 22 दिन का, क्योंकि अब तो तबियत खराब ही नहीं होता ना, सरकार का मतलब है कि तबियत खराब ही नहीं होता, शिक्षक को बैठने दे रहे हैं तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, ये सरकार के मानना है। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था, वह बात छुट्टियों का पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। अब मालूम चलेगा कि बीच में जो छुट्टी होता है उसमें क्या क्या काम मिलता है। समर वैकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी, तो गर्मियों की छुट्टी जब दी जा रही है तो उसमें काम काहे को दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, छुट्टी का मतलब है खेल कूद, पढ़ाई का थोड़ी होता है, लेकिन उसमें दे देंगे पढ़ने के लिए। पहले 2 3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी, मौज मस्ती, हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे, और वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था हमारा, क्योंकि नानी का जो घर था वो पिछड़ा पड़ता था, मतलब वहां पर उतना महंगाई नहीं थी, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, जो मंडी का तालाब था उतना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मंगा कर, चाहे मांग कर खाने लगते थे। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश थी, हम बोलते जिस तरह थे कम खाते जिस तरह बहुत खुश थी, क्योंकि तबीयत भी खराब नहीं होता था। हम जब भी अपने ननिहाल गए इतना खा लिए कि तबीयत खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा, नहीं तो चक्कर आने लगेगा, आंख दर्द करने लगता था, सिर दर्द करने लगता था, इसलिए हम जाना ही छोड़ दिए, बात नहीं जाएंगे। अपने पोतों की हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती, और जो उनके पोते थे जो हमारे भाई बहन लगेंगे तो उनको भी बोलती थी कि इन लोगों की तरह खाओ पियो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साल ननिहाल न जा पाते, मतलब जोने साल हम ननिहाल नहीं जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते थे, कपड़े उतार पानी में कूद जाते, और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर, मतलब जहां पर बालू वगैरह है वहां पर जाकर रेत के ऊपर लोटाने लगते, लेटने लगते, और बालू देह में लग जाता है तो मैल वगैरह सब साफ हो जाता है। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, और किसी ऊंचाई के जगह से तालाब में छलांग मारते, गुप से न अंदर। रेत जितना भी था गंदले पानी से साफ हो जाता, और रेत जो पानी था उससे साफ हो जाएगा, फिर टीले की ओर भाग जाते थे, फिर लगाकर फिर आएंगे, फिर लगाकर फिर आएंगे। याद नहीं कि ऐसा 5 10 बार करते या 15 20 बार, ये समझ में याद ही नहीं है। कई बार तालाब में कूद कर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते कि जैसे बहुत अच्छे तैराक है, जैसे
हम बहुत खूब तैरते हैं, परंतु एक तो मतलब एक दो को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था, एक दो को छोड़ दूं तो किसी को उतना तैरने नहीं आता था, कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग का दुम पकड़कर, तो जब लगता कि वो डूब जाएगा तो वो कुछ लोग जो बाहर थे वो हल्ला करते हैं, भैंस का दुम मतलब भैंस का पूंछ पकड़ के बाहर निकलो बच जाओगे, बाहर आने की सलाह वो देते थे, उन्हें ढाढ़स बांधते और उन्हें बहुत ज्यादा उत्साह बांध देते कि भाई ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे आओ, कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते, गंदा पानी जब मुंह में जाता है तो खूब खांसते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि सांस रुकने लगती है परंतु हाय 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 करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते और बच जाते। इसके बाद छुट्टी कैसे बिताते उसके बारे में हम अगले भाग में बताते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी।